अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंफॉर्मेशनल हाल में खुश आमदी। दोस्तों, जैसा कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर जनाब हाफिज साद हुसैन रिजवी काफी अरसे से नजरबंद हैं, जबकि अदालती हुक्म के बावजूद हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें अभी तक रिहा नहीं किया गया। इसके साथ ही जब भी लाहौर हाई कोर्ट में उनकी नजरबंदी के खिलाफ समाअत की जाती है तो हर समाअत पर जस्टिस तहरीक लबैक पाकिस्तान के वकला के दलाइल सुनने के बाद इस समाअत को अगली तारीख तक मुअख्खर कर देता है। नाज़रीन, इसी हवाले से गुज़श्ता दिन साबिक़ रुकने असेंबली जमशेद अहमद दस्ती भी हुकूमत पाकिस्तान पर बरस पड़े और उनका कहना था कि अगर हुकूमत ऊंचे हथकंडों से बाज ना आई और साद हुसैन रिजवी को रिहा ना किया गया तो 21 नवंबर को खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के पहले उर्स मुबारक पर पूरे मुल्क से लाखों लोग यतीम खाना चौक इकट्ठे होंगे और ऐसा धरना होगा कि इस्लामी इनकलाब की राह हमवार हो जाएगी।